टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शाखा HCL फाउंडेशन स्पोर्ट फॉर चेंजच्या चौथ्या आवृत्तीतील विजेत्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. तर कोविड महामारीमुळे तब्बल 2 वर्षानंतर हा कार्यक्रम होत आहे. 21 जुलै 2022 रोजी सुरू झालेला हा 2 दिवसीय कार्यक्रम विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था येथे होणार असून 22 जुलै 2022 रोजी विजेत्यांचा सत्काराने समारोप होणार आहे. स्पोर्ट्स फॉर चेंज 2022 से उद्घाटन 21 जुलै 2022 रोजी HCL टेक्नॉलॉजीचे अध्यक्ष CSR बोर्ड कमिटी चेअरच्या अध्यक्ष रोशनी नाडर मल्होत्रा यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमाला श्री अनुप श्रीधर, सुश्री जर्लिन अर्निका, HCL माय श्री विजय आनंद गुंटूर आणि HCL फाउंडेशनच्या संचालक श्रीमती निधी पुधीर आदी विशेष मान्यवर उपस्थित राहणार आहे. स्वागत, नृत्य, क्रीडा, ड्रिल, मशाल धावणे, मशाल प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात होणार आहे. जम्मू काश्मीर, लडाख, नागालँड, तेलंगणा आणि राजस्थान अशा 10 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 650 मुले या स्पर्धेत सहभागी होत आहे. जेंडर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन HCLच्या दृष्टिक्षेपात केंद्रस्थानी आहे. असुरक्षित आणि उपेक्षित गटांवर विशेष भर देत यंदा HCL फाउंडेशनने पॅरा स्पोर्ट्सला अंतिम फेरीत एक श्रेणी म्हणून सादर केले असून या स्पर्धेत 30 निवडक पॅरा ऑथलीट विविध प्रदर्शनीय सामन्यांमध्ये भाग घेणार आहे. सहभागी मुले ही HCL उदय, HCL समुदाय आणि HCL ग्रँट या प्रमुख उपक्रमामार्गत HCL फाउंडेशनद्वारे समर्थित सरकारी शाळा, नियमित क्रीडा कार्यक्रम आणि समुदायाचा एक भाग आहेत. या 2 दिवसात फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, मुलींचे क्रिकेट, मुलींची रग्बी, इंटेलिजन्स मार्क, बॅडमिंटन, कुस्ती, टेबल टेनिस आणि ॲथलेटिक्स या क्रीडा स्पर्धांमध्ये विद्यार्थी सहभागी होतील. नमस्कार, मेरा नाम निधी पुंढीर है और मैं HCL फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शाखा है HCL टेक्नोलॉजीज़ की. आज यहाँ नागपुर में, महाराष्ट्र में, मैं कहूँगी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, उसी इवेंट्स की सीरीज़ के तहत HCL फाउंडेशन भी अपना एक नेशनल, हमारा स्पोर्ट्स फॉर चेंज कार्यक्रम है, खेलों का कार्यक्रम है जिसको हम कर रहे हैं. पूरे 10 प्रदेशों से बच्चे आए हैं यहाँ पर, बहुत दूर दराज इलाकों से, कहूँगी नागालैंड से, श्रीनगर से, झारखंड से, महाराष्ट्र से हैं ही हमारे होस्ट बच्चे, तेलंगाना से, तमिलनाडु, कर्नाटका. और ये वो बच्चे हैं जो सेलेक्ट होकर आए हैं, लगभग 27,000 बच्चों के साथ जो हमने नेशनल क्वालिफायर्स अलग अलग जगह किए, रीजनल क्वालिफायर्स करे, और उसमें से 600 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं अपने कोचेस के साथ में, अपने मेंटर्स के साथ में. और यहाँ VNIT कैंपस में हमें होस्ट किया जा रहा है. यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं हैं. हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र VNIT का कि उन्होंने ये सारी सुविधाएं बच्चियों को उपलब्ध करवाई हैं, हॉस्टल से लेकर और मेस से लेकर और अपने सारे स्पोर्ट्स के यहाँ जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं. बहुत सारी बच्चों का ये पहला अनुभव है कि वो इतने हाई लेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक्सपोज हो रहे हैं. लेकिन मैं कहूँगी कि जो इनमें प्रतिभा है वो नेशनल लेवल की प्रतिभा है. हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी जुड़े हैं जो पुराने सीरीज़, ये 4th सीरीज़ है, हम इस कार्यक्रम को लगभग 5 साल से चला रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिन्होंने अभी हमारे साथ, जैसे जर्लिन है, उन्होंने अभी डेफ ओलंपिक्स में बेसिकली 3 मेडल्स ब्राज़ील में जीते हैं. तो इस तरह के भी हमारे साथ प्रतिभाशाली बच्चियाँ बच्चे जुड़े हुए हैं. HCL फाउंडेशन, जो कि CSR आर्म है HCL टेक्नोलॉजीज़ का, पिछले 10 वर्ष में 900 करोड़ का व्यय कर चुका है, CSR इन्वेस्टमेंट कर चुका है. 22 प्रदेशों में हमारे कार्यक्रम चलते हैं और जहाँ जहाँ HCL फाउंडेशन और हमारा HCL टेक्नोलॉजीज़ का जो CSR कार्यक्रम चलता है उसके तहत हम स्पोर्ट्स ज़रूर करते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों से, बस्तियों से, जहाँ जहाँ बच्चे रहते हैं और जिन तक अदरवाइज ये सर्विसेज नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ तक हम पहुँचते हैं और इस प्रतिभा को उभार कर लाते हैं. तो ये मैं कहूँगी कि हम, नागपुर हमें होस्ट कर रहा है इस बार, तो फिर से मैं महाराष्ट्र का, नागपुर का धन्यवाद करूँगी, यहाँ के सभी लीडर्स का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर और सड़कों से लेकर और इस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर निर्मित की हैं. हमें ये बहुत अच्छा लगा जब हमने यहाँ पर एक विज़िट की कि एक ही कैंपस में सभी सुविधाएं हैं, तो वो एक कारण है नागपुर आने का. हम अलग अलग शहरों में जाते हैं हर साल, हमने बैंगलोर में भी किया है, हमने तमिलनाडु में भी किया है, हमने गौतम बुद्ध नगर में भी किया है. हमें जहाँ हम सुविधाएँ पूरी उपलब्ध बच्चों को करवा पाते हैं वहाँ हम जाते हैं. और दूसरा ये है कि इसमें सारे ओलंपिक गेम्स प्लस क्रिकेट,
वीकेबी न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे सह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।